आना है और उस बजट से पहले आज वित्त मंत्री ने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जिसमें इकोनॉमी की अच्छी तस्वीर सामने आई है। इकोनॉमिक सर्वे लोकसभा में पेश हो चुका है। मौजूदा वित्त वर्ष में 6.5 से 7% जीडीपी की रियल ग्रोथ रह सकती है। निजी सेक्टर और सरकार में पार्टनरशिप पर इसमें जोर दिया गया है। रियल जीडीपी इज 20% अबाउट द प्री पैंडेमिक लेवल्स एंड द ग्रोथ हैज बीन कंट्रीब्यूटेड टू बाय ए स्टडी मेंटेनेंस ऑफ द शेयर ऑफ प्राइवेट कंसम्पशन। इन्वेस्टमेंट इज बीइंग ड्रिवन बाय नॉट ओनली बाय पब्लिक सेक्टर कैपिटल फॉर्मेशन। Both union and state governments have clearly been spearheading the capital formation. But let me also tell you that private capex has been growing. Private capex has recovered. Households are not in distress. Households actually are investing in financial assets, which have done very well. तो चलिए अब आर्थिक सर्वे पेश करने के बाद सीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने कैपिटल मार्केट्स रियल रिटेल इन्वेस्टर्स के बढ़ने पर सवाल उठाया जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि कैपिटल मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी हेल्दी है मगर एफएनओ में ट्रेडिंग कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है। कैपिटल मार्केट को लेके इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन रिटेल इन्वेस्टर्स इन द स्टॉक मार्केट कॉल्स फॉर केयरफुल कंसिडरेशन। मेरा क्वेश्चन ये है कि इक्विटी मार्केट के रेगुलेटर या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री से इकोनॉमिक एडवाइज़र का क्या सजेशन है, किस तरह का रिकमेंडेशन है इस कैपिटल मार्केट में जो रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा हो सर? सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद द पार्टिसिपेशन ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स इन द कैपिटल मार्केट। इट इज़ अ वेरी हेल्थी थिंग। It has actually created a very good buffer for Indian markets in general, given an additional saving option or additional deployment of savings for our households in the last 4 years. So capital market participation by retail investors is a very healthy and a very welcome thing. The issue is in what kind of capital market participation that they are engaging in. Speculative trading in futures and options is something that I have commented upon earlier, and that's exactly the point that we are driving at, because they are not exactly benefiting either the households or the purpose of capital formation in the overall economy. हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं तो वो हमें और डिटेल में बताएंगे। लक्ष्मण, आर्थिक सर्वे में अगर हम और बातें देखें तो क्या हाइलाइट्स रहे, किस हिसाब से अर्थव्यवस्था की तस्वीर यहाँ निकल कर आ रही है? देखिए, आर्थिक सर्वे पेश करने के बाद अब से कुछ ही मिनटों पहले खत्म हुई मुख्य आर्थिक सलाहकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारे प्रेजेंटेशन दिए गए और उस प्रेजेंटेशन के देखने के बाद मुझे लगा कि आर्थिक सर्वे बेहद ही संतुलित और कह सकते हैं कि बहुत ही वास्तविक जो है अर्थव्यवस्था के हालात उसकी तस्वीर पेश करते हुए दिखी। इसमें जो चुनौतियां हैं उसको भी बताया गया, जो संभावनाएं हैं उसमें भी बताया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा नज़रें जिस बात पर आर्थिक सर्वे को लेकर टिकी रहती है वो ये है कि जीडीपी का ग्रोथ कितना रहने वाला है। तो आपने कहा जैसा कि चालू कारोबारी साल के लिए जीडीपी का ग्रोथ 6.5% से लेकर 7% का अनुमान जताया गया है, लेकिन ये अनुमान जताते हुए मुख्य आर्थिक सलाहकार को इस बात का अंदाजा था कि उनकी हो सकता आलोचना हो, क्योंकि कई सारे एजेंसी जिसमें रिजर्व बैंक, आईएमएफ, फिच, इन लोगों ने इससे ज्यादा ग्रोथ का अनुमान दिया है। तो ऐसे में वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार इससे कम अनुमान कैसे दे रहे हैं? तो उनका कहना साफ तौर से था कि वो निराशावादी नहीं है, वो काफी आशावादी हैं और 7% होने की संभावना भी है, लेकिन 6.5 से 7 का रेंज इसलिए दिया गया क्योंकि कुछ चुनौतियां भी हैं जिसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर मानसूनी बारिश जगह जगह हो रही है, कहीं नहीं हो रही, असंतुलित है, कृषि उत्पादन पर असर पड़ने वाला है, अंतरराष्ट्रीय हालात अभी भी स्थिर नहीं हुए हैं और कैपिटल मार्केट में जो वैल्यूएशन है वैल्यूएशन काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो तीन चुनौतियां उन्होंने बताई है और इन सब कैपिटल मार्केट की बात चली तो एक खास चैप्टर आर्थिक सर्वे में कहा गया है इक्विटी मार्केट को लेकर के, वहां पे रिटेल निवेशकों की बढ़ते हिस्सेदारी पर काफी गौर किया गया है। उन्होंने ये कहा भी कि रिटेल निवेशक कैपिटल मार्केट में आ रहे हैं अच्छी बात है, स्वस्थ बात है, लेकिन कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा रहे हैं जिसका कोई कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। उनका इशारा फ्यूचर एंड ऑप्शन की तरफ था, कहा कि ऐसी चीजों को हतोत्साहित करना चाहिए, हालांकि क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए वो रेगुलेटर तय करेगा। रोजगार को लेकर उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि रोजगार में उन्होंने कहा कि इसमें 80 लाख नौकरियां हर साल पैदा करने की जरूरत है। अब नौकरियां पैदा करने के लिए
सरकार की तरफ से मुंह उठा के मत देखिए। दरअसल इसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों की सहभागिता की जरूरत है। निजी क्षेत्र को लेकर थोड़ा सा उन्होंने आड़े हाथों भी लिया कि जिस तरीके से उनके प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है उस तरीके से मैन पावर में उन्होंने अपना निवेश नहीं किया है। तो एक तरह से इशारा है कि निजी क्षेत्र नौकरी के ज्यादा मौके पैदा करें वरना मांग में बहुत ज्यादा कमी आ सकती है। इसके अलावा कई सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात उन्होंने की है, खेती में रिफॉर्म की काफी ज्यादा वकालत की है। जी बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। तो इकोनॉमिक सर्वे में कैसी दिख रही है इकोनॉमी की तस्वीर और कैसा होना चाहिए बजट, आज बजट अड्डा में इसी पर करेंगे एक बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र से पहले देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कल का बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। उन्होंने कहा कि बजट 5 साल की दिशा तय करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि 2047 तक विकसित भारत का टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। पीएम ने विपक्ष पर नकारात्मक राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ दलों ने फायदे के लिए संसद का दुरुपयोग किया है। हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। इस बार का बजट विकसित भारत की नींव को मजबूत करने वाला साबित हो सकता है। अलग अलग सेक्टर्स को कुछ ना कुछ खास मिलने की उम्मीद है। यह बजट क्यों है खास, इस बजट में और क्या क्या हो सकता है, हम इस पर देखिए हमारे रिपोर्टर्स की ये खास चौपाल। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया जा रहा है। ऐसे समय बजट पेश किया जा रहा है जब अर्थव्यवस्था में मांग पैदा करना एक सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे समय में बजट पेश किया जा रहा है जब रोजगार पैदा करना एक सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए बजट में क्या कुछ खास हो सकता है, इस पर हमारी पूरी टीम लगातार नजर बनाए हुए है और हम अपनी टीम के साथ यहाँ पे हैं वित्त मंत्रालय के ठीक सामने और आपको बताएंगे कि जो बजट पेश होगा उसमें क्या कुछ खास निकल कर आएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने सहयोगी आलोक के साथ जो कि इंडस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री दोनों पर काफी पैनी नजर रखता है। आलोक, जब बात रोजगार की और आर्थिक विकास की होती है तो सबसे ज्यादा जोर इस बात पर होता है कि इंडस्ट्री को आप पुश करिए, इंडस्ट्री को बढ़ावा दीजिए। इस बजट में इंडस्ट्री को लेकर क्या कुछ निकल सकता है? देखिए, अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो, उनके लिए रॉ मटेरियल सस्ता मिले, वहां पर एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो और साथ ही साथ उनको एक्सपोर्ट करने के लिए बेहतर सुविधाएं मिले, इस पर जोर रहेगा। अगर हम बात करें तो पीएलआई स्कीम सरकार की बहुत ही एक खास स्कीम है। इसमें साइकिल, आपको टॉयज, केमिकल सेक्टर जैसे, लेदर सेक्टर जैसे में पीएलआई स्कीम सरकार ला सकती है। इसके अलावा कई सारे मोर्चों पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है काफी क्रूशियल होता है, रॉ मटेरियल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो बहुत सारे पेपर, मेटल, फार्मा, मेडिकल डिवाइस जैसे इंडस्ट्री है उनको रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, वो उनके लिए रॉ मटेरियल पर इम्पोर्ट ड्यूटी में कटौती या बढ़ावा की जा सकती है, तो ये ताकि रॉ मटेरियल सस्ता मिले। इसके अलावा एक्सपोर्ट एक बड़ा मुद्दा रहता है हमेशा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो एक्सपोर्ट के लिए उनके लिए एक्सपोर्ट हब बनाने की बात चल रही है कि एक्सपोर्ट हब बनाया जाए, साथ ही साथ एक्सपोर्ट प्रमोशन एक नई बॉडी बनाई जाए जो कि उनको एक्सपोर्ट करने में मदद करेगी। इसके अलावा उनको कई तरह के और इंसेंटिव दिए जा सकते हैं मार्केटिंग वगैरह के लिए, और साथ ही साथ अगर बात करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मोर्चे पर तो बहुत सारी जो डोमेस्टिक चीजें हैं उनमें उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दिया जाएगा, और उनके लिए जैसे डीप टेक पॉलिसी है, स्टार्टअप काफी बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर है, वहां पर डीप टेक पॉलिसी नई ऐलान की जा सकती है, तो इस तरह के कदम सरकार उठा सकती है, इसमें रोजगार भी ज्यादा मिले, एक्सपोर्ट भी हो और इंडस्ट्री को भी फायदा मिले। ये काफी बड़ी बात है कि इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि रोजगार के नए मौके पैदा हो। रोहन सिंह जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी पैनी नजर रखते हैं, एविएशन सेक्टर पर नजर रखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ावा देने से कई सारे सेक्टर को खुद ब खुद बढ़ावा मिल जाता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के क्या कुछ संभावना जताई जा सकती है? जी, इस बार भी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पुश है वो बरकरार रहेगा। एक मॉडेस्ट इंक्रीज आप 10-15% का देख सकते हैं रोड ट्रांसपोर्ट के लिए, खासतौर पर 15,000 किलोमीटर के प्रोजेक्ट्स की घोषणा की जा सकती है। इसमें कुछ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट भी होंगे। इसके अलावा जो बड़े शहर है, भीड़ भाड़ वाले शहर है, वहां ट्रैफिक से निजात के लिए
सॉल्यूशन इंजीनियर के लिए रिंग रोड की घोषणा की जा सकती है। एक सरकार का पुश रहा है ईवी सेक्टर पे, वो इस बार भी जारी रहेगा। सरकार स्कीम का एक्सटेंशन की तो बात कर ही सकती है, लेकिन साथ ही जो 5 साल का रोड मैप है एक तरह से ईवी के लिए, क्लीन एनर्जी के लिए, उसकी घोषणा भी यहाँ पे की जा सकती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें भी ईवी, जो बार बार सरकार और प्रधानमंत्री भी जोर दे चुके हैं, ग्रीन इकोनॉमी पे काफी ज्यादा फोकस होगा। तो जो रोहन की बातों में संकेत मिल रहा है, ग्रीन इकोनॉमी एक महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है इस पूरे बजट का। लेकिन सबसे ज्यादा जो नजर रहती है, खासतौर से तब से जब से रेल बजट को मिला दिया गया आम बजट से, वो नजर रहती है कि रेलवे सेक्टर के लिए क्या कुछ हो सकता है। तो दीपाली है, रेलवे सेक्टर को सालों से कवर कर, दीपाली रेलवे के मुसाफिरों के लिए क्या कुछ खास मिलने वाला है, या फिर रेलवे कंपनियों के शेयर धारकों के लिए क्या कुछ खुशखबरी आ सकती है? जो बिल्कुल, सरकार का फोकस रहेगा किस तरह से निजी निवेश बढ़ाया जाए रेलवे में, क्योंकि सरकार चाहती है कि बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन हो। खासतौर पर अगर हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें तो उसको पेशअप किया जाए। इसके अलावा जो कोचेस की संख्या है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिले, और साथ ही जो एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन, उसके नए कॉरिडोर्स का अनाउंसमेंट यहां पर किया जा सकता है। एलोकेशन जाहिर तौर पर 20% तक बढ़ता हुआ यहां पर दिखाई देगा, लेकिन जो सबसे बड़ा फोकस हमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो ये रहेगा कि यात्रियों के लिए जो रेल का सफर है उसे किस तरह से सुरक्षित बनाया जाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है 2 से 3 बड़े दर्दनाक हादसे हुए हैं। ऐसे में जो रेलवे की तरफ से कवच इंस्टॉलेशन था उसकी लेट लतीफी पर यहां पर सवाल उठे हैं। तो कवच के लिए 5 से 6 हजार करोड़ रुपए अलग से एलोकेट यहां पर वित्त मंत्री करती हुई दिखाई दे सकती है। तो इसमें रेलवे के अलावा एक और चीज आपसे पूछूं, उसके बाद असीम के पास जाऊंगा, वो है हेल्थ सेक्टर। क्योंकि आर्थिक सर्वे में भी हेल्थ सेक्टर पे, खासतौर से मेंटल हेल्थ पे काफी जोर दिया गया है, तो हेल्थ सेक्टर को लेकर क्या कुछ उम्मीद करनी चाहिए? बिल्कुल, आपने सही कहा। खासतौर पर अगर कोविड के बाद से देखें तो लगातार वित्त मंत्री की तरफ से जो एलोकेशन है स्वास्थ्य सेक्टर के लिए वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, और यही कॉन्टिन्यूटी हम इस बजट में भी देखेंगे। एलोकेशन तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ जो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में इस बात को रखा था कि आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ाया जाएगा और उसके तहत 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा। और इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि जो सर्वाइकल कैंसर है उसकी वैक्सीन को सस्ता किया जाए, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन को सस्ता किया जाए। इस लिहाज से भी बड़े अनाउंसमेंट इस बजट में होते हुए दिखेंगे। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मांग को कैसे बढ़ावा दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में मांग का सबसे बड़ा ड्राइवर होता है एग्रीकल्चर। इस बार एग्रीकल्चर पर नजर इसलिए रहेगी क्योंकि शिवराज सिंह चौहान, जो कि माने जाते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी सुधार किए थे, तो शायद उनकी बात चले और बजट में उनकी झलक दिखे। तो असीम, एग्रीकल्चर सेक्टर कवर करते हैं, असीम क्या लग रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर पर बजट में फोकस रहेगा? डेफिनेटली एक बड़ा फोकस आपको एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ही दिखाई देगा। किसान सम्मान निधि बढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन इस बार आपको शायद वहां पर कोई बढ़ोतरी होती हुई दिखाई ना दे। दूसरी सबसे बड़ी बात, यहां पर एक डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की शुरुआत आप होती हुई देख सकते हैं, यानी कि सरकार रिफॉर्म्स करेगी, जो भी राज्य रिफॉर्म्स करेंगे उनके लिए एक बड़ा फंड का अनाउंसमेंट होगा और उनको उस रिफॉर्म्स के हिसाब से ये फंड रिलीज किया जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, जो कृषि क्रेडिट कार्ड है, अभी आपको 3 लाख का लोन मिलता है, उसके अंदर बढ़ा करके 5 लाख तक का लोन जो है वो किया जा सकता है। बिना कोलेटरल के आपको 1,60,000 तक का लोन मिलता है, उसको बढ़ा करके 2.5 लाख तक का किया जा सकता है। सबसे बड़ा फोकस सरकार का क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर रहने वाला, एक बड़ा फंड अनाउंसमेंट हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पीएम आशा के तहत आकर के देख सकते हैं। जो भी किसान ज्यादा क्रॉप डाइवर्ट करेंगे, अलग अलग क्रॉप्स उगाएंगे, उनको एक बड़ा राशि यहां पर हम घोषणा होती हुई मुझे लगता है कि कुल मिला के लगता है कृषि क्षेत्र को लेकर के किसानों की आमदनी बढ़ाई जाए, इस पर फोकस होगा। लेकिन इस पूरी चर्चा में अगर एक बात ना हो तो छूट जाएगा, वो है कि नौकरी पेशा लोगों को क्या मिलेगा। इनकम टैक्स पर भी नजर रखिएगा, क्योंकि वहां पर यह माना जा रहा है कि शायद वित्त मंत्री इनकम टैक्स न्यू टैक्स रिजिम में एक नया स्लैब जोड़ करके कुछ नौकरी पेशा लोगों को राहत दे, या फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 से आगे बढ़ा दे। कुछ लोग कैपिटल गेन्स टैक्स में बदलाव की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी तो कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन ये सारे मुद्दे हैं जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। बस कुछ ही देर का समय, उसके बाद बजट पेश होगा, तो फिर देखिए क्या क्या होता है। लक्ष्मण रॉय अपनी टीम के साथ दिल्ली। चलिए, बहुत अच्छे से लक्ष्मण और उनकी टीम ने विश्लेषण किया कि कल बजट में क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं और आखिर क्यों वो उम्मीदें लगाना चाहिए बजट से। चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं। पूरी दुनिया के 10 रफ डायमंड में से 8 की पॉलिशिंग भारत में होती है, लेकिन फिलहाल इस सेक्टर की चमक फीकी पड़ी हुई है। ऐसे में इंडस्ट्री उम्मीद कर रही है कि बजट में कुछ ऐसे उपाय होंगे कि हीरा फिर से चमक उठे। केतन जोशी की ये रिपोर्ट। सालाना 70,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले डायमंड इंडस्ट्री की इस बजट से काफी अपेक्षाएं हैं। इंडस्ट्री का कहना है कि इंडस्ट्री पर से 10% व्यवसायिक कर हटे और मशीनरी खरीदारी पर सब्सिडी मिले। इसके अलावा बिजली के बिल में सब्सिडी मिलनी चाहिए, साथ ही लैब ग्रोन डायमंड को बढ़ाने के लिए खास प्रबंध होने चाहिए। एक तो 2 साल से तो डायमंड में काफी मंदी का माहौल है, तो अभी तो हम ये चाहेंगे कि ये जो व्यवसाय वगैरह इस पे लगा हुआ है, यो
जल्दी से जल्दी इसको हटाया जाए ताकि और राहत मिले उद्योग में। दूसरा ये है कि लैबग्रोन डायमंड के उत्पादन और ज्वेलरी एक्सपोर्ट में कोई नई योजना बनाए सरकार, तो उससे काफी फायदा रहेगा उद्योग को। 30 साल से चमकती दमकती डायमंड इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों से फीकी होती जा रही है, ऐसे में सरकारी मदद की दरकार बहुत ज्यादा है। तब तक कला की परिस्थिति इतनी 2 साल से बिगड़ गई है, अगर उसको मकान आवास योजना भी देना चाहिए, उसको बीमा में आरोग्य में भी उसको मदद करनी चाहिए। वित्त मंत्री को मैं विनंती करता हूँ, सरकार को विनंती करता हूँ कि डायमंड उद्योग ऐसा धंधा है पर जो सब बिगड़ का धंधा है, अगर डायमंड उद्योग को जो बढ़ती करनी है, रोजगारी बढ़ानी हो तो डायमंड उद्योग को मदद करनी पड़े। डायमंड इंडस्ट्री वित्त मंत्री से कुछ नीतिगत बदलाव और आर्थिक सहायता की आज भी रखे हुए है। देश में लाखों नए रोजगार निर्माण करने की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, ऐसे में अगर डायमंड इंडस्ट्री की मांगे पूरी की जाती है तो न केवल नए रोजगार का निर्माण होगा लेकिन रत्न कलाकारों का जीवन है वो भी उभर सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। छोटी और मझोली कंपनियों के साथ अगर आप लेन देन करते हैं तो 45 दिन में पेमेंट करना अनिवार्य है। इस नए सिस्टम से क्या वाकई छोटी कंपनियां मुश्किल में आ गई हैं, और अगर ऐसा है तो आने वाले बजट में इस नियम को लेकर एमएसएमई की वित्त मंत्री से क्या मांगे हैं, ये जानने की कोशिश की है केतन जोशी ने। ये है मेहुल शाह, केमिकल कारोबार की एक छोटी कंपनी चलाते हैं। कंपनी होम क्लीनिंग के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती है लेकिन पिछले कुछ महीनों से ऑर्डर मिलने काफी कम हो गए हैं। हमें भी आगे ये रूल्स की वजह से पेमेंट देना है तो हम भी रॉ मटेरियल इतना मंगा नहीं सकते हैं और हमको इसकी वजह से करीबन 30-35% का बिजनेस का लॉस आ रहा है कि सब कंपनियां ऐसे ही सोच के देती कि 45 को पेमेंट देना है तो फिर कहां से वो लाएंगे। फंड मैनेजमेंट सबको करना होता है तो उसकी वजह से जितने जरूरत लोग मंगाते हैं और जितनी जरूरत इतना यूज करते हैं, इसके लिए काफी ऑर्डर में कटौती आई है। पूरे देश में 1,48,00,000 और अकेले गुजरात में 12,00,000 रजिस्टर्ड एमएसएमईज हैं। इनको 45 दिन में पेमेंट करने का नियम लागू होने के बाद से ही नुकसान होने लगा है। बड़ी कंपनियां 45 दिन में पेमेंट नहीं करने पर पेनल्टी के डर से एमएसएमई के साथ बिजनेस करने में कन्नी काटने लगी हैं। ऐसे में गुजरात स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज ने वित्त मंत्रालय को कुछ सुझाव दिए हैं। मेरा सुझाव यह है कि गवर्नमेंट को ये जो 45 डेज की लिमिटेशन रखी है, अगर स्टडी के बाद ऐसा लगता है तो 45 डेज के उसमें कुछ एडिशन करके 60 या 60+ डेज करना चाहिए तो उनका जो इंटेंशन है वो फलीभूत हो। और दूसरी चीज ये भी है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर, लार्ज इंडस्ट्रीज या मीडियम इंडस्ट्रीज जो भी इसमें इंक्लूड नहीं है वो सबको इसमें इंक्लूड करके स्ट्रिक्टली इसका फॉलोअप लिया जाए। भारत में पेमेंट साइकिल थोड़ी लंबी है, इस बजट में इंडस्ट्री के सुझाव को अगर ध्यान में रखा जाएगा तो एमएसएमई को राहत मिल सकती है। 45 दिन के नियम में संशोधन करके उसको और मजबूत करने की आवश्यकता है और इस बजट में वित्त मंत्री से एमएसएमई सेक्टर की यही मांग रहने वाली है। तो बजट से मिडिल क्लास को क्या क्या मिलने की उम्मीद है जानने के लिए देखिए मिडिल क्लास की बजट से आज शाम 5:57 पर हमारी खास पेशकश। इधर बजट से पहले बाजार की आज फ्लैट क्लोजिंग हुई है। सेंसेक्स 103 पॉइंट गिरकर 80,502 पर तो निफ्टी 22 पॉइंट गिरकर 24,509 पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी बैंक निचले स्तर से थोड़ा सुधर कर बंद होने में कामयाब रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा पीएसई ऑटो मेटल शेयरों में भी खरीदारी रही तो फार्मा इंडेक्स भी बढ़त पर बंद हुआ। इसके अलावा रियल्टी आईटी एफएमसीजी एनर्जी शेयरों में आज दबाव का दिन था। संसद में आज नीट को लेकर सरकार और विपक्ष ने एक दूसरे पर वार पलटवार किए। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पूरे सिस्टम के फ्रॉड होने की बात कही तो अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार पेपर लीक का रिकॉर्ड बनाएगी। द मिनिस्टर हैज ब्लेम्ड एवरीबॉडी एक्सेप्ट हिमसेल्फ राइट। आई डोंट इवन थिंक ही अंडरस्टैंड्स द फंडामेंटल्स ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। देयर आर मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस कंट्री हु आर एक्सट्रीमली कंसर्न्ड एट व्हाट इज गोइंग ऑन एंड हु आर कन्विंस्ड दैट The Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and
एंड दिस इज द सेम फीलिंग दैट द पीपल इन द ऑपोजिशन हैव। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि परीक्षा व्यवस्था को बेकार कहना ठीक नहीं है, ये एक बेहद निंदनीय है। चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। साहब ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से इसको निंदा करता हूँ। यूपी सरकार के कांवड़ रूट पर दुकान के आगे नाम लिखने वाले योगी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आंतरिक रोक लगा दी है। अदालत ने यूपी के साथ एमपी और उत्तराखंड सरकार को भी नोटिस जारी किया है। अब शुक्रवार को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। तब तक दुकानदारों को नेम प्लेट लगानी जरूरी नहीं होगी। एक एनजीओ और टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा समेत कुछ और लोगों ने यूपी सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सिर्फ फूड के बारे में लिखें और नाम बताना जरूरी नहीं है। आइए अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देने वाली महुआ मोहित्रा ने इस बारे में क्या कहा। We are very happy. This was a completely illegal and unconstitutional order against the principles of our constitution. And the BJP ruled states started with Muzaffarnagar police and then extended to UP and Uttarakhand. And we had gone to the Supreme Court. And the Supreme Court has ruled in our favor and has granted a stay of all directives and has no shopkeeper, no owner of any establishment will need to display his or her name. जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। जेडीयू शुरू से ही इस फैसले का विरोध कर रही थी। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। इससे समाज में जो द्विधा और विभाजन की आशंका चल रही थी उस पर रोक लगेगी और भविष्य में भी राज्य सरकारों को इस तरह के प्रतिबंध लगाने से पहले, नोटिस जारी करने से पहले सामाजिक सरोकारों को ध्यान में रखना चाहिए और प्रधानमंत्री का वक्तव्य भी उनके दिमाग में रहना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इससे समाज के एक हिस्से का विश्वास भी टूट रहा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन तमाम ताकतों को भी सोचने का मौका मिलेगा जो विभाजन के बीज समाज में पैदा करने का असफल प्रयास कर रहे थे। चलिए यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार और आप कुछ और खबरों का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने सेना के कैंप को निशाना बनाया है। राजौरी में आतंकियों ने सेना के कैंप पर हमला किया जिससे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। आतंकी हमले में सेना का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है। इसके बाद सेना ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी फायरिंग की और एक आतंकी को ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है और सर्च ऑपरेशन जारी हैं। दोनों ओर से लगातार फायरिंग हो रही है। दरअसल खास में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर गांव वाले घरों से बाहर निकल आए। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। बाइडेन ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है और कमला हैरिस की दावेदारी को समर्थन दे दिया है। बाइडेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट पर लिखा कि राष्ट्रपति के रूप में सेवा करना सबसे बड़ा सम्मान रहा है और मेरा इरादा भी फिर से चुनाव लड़ने का रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि ये मेरी पार्टी और देश के सर्वोत्तम हित में है कि मैं आने वाला चुनाव ना लड़ूं और केवल राष्ट्रपति के रूप में अपने बचे कार्यकाल के लिए अपने कर्तव्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करूं। जो बाइडेन जनवरी 2025 में अपना कार्यकाल समाप्त होने तक राष्ट्रपति और कमांडर इन चीफ के रूप में अपनी भूमिका को निभाते रहेंगे। जो बाइडेन के रेस से हटने के बाद कमला हैरिस डेमोक्रेटिक दावेदार के तौर पर सबसे आगे हैं। बाइडेन ने कमला हैरिस का समर्थन किया है और उसके बाद मल्टीपल कॉल्स के जरिए कमला हैरिस के समर्थन में कैंपेन को बिल्ड किया जा रहा है। कई डेमोक्रेट्स ने भी कमला हैरिस को सपोर्ट किया है। हालांकि अभी नैन्सी पेलोसी और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कमला हैरिस को सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन उन्होंने भी हैरिस की तारीफ की है। वहीं कमला हैरिस ने कहा है कि ट्रंप को हराने और डेमोक्रेटिक पार्टी को एकजुट करने के लिए वो पूरी ताकत लगा देंगी।
मुंबई में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में मुंबई के कुछ इलाकों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा पानी गिर चुका है। भारी बारिश के बाद आईएमडी ने मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट जारी कर दिया है। लगातार बारिश के चलते मुंबई के कई इलाकों में जलभराव है। लोकल से लेकर सड़क तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। जनजीवन पूरी तरह से तहस नहस है। नवी मुंबई के बेलापुर में पानी के तेज बहाव में 40 से 50 लोग फंस गए थे। इन्हें निकालने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। तुरभे के MIDC पुलिस स्टेशन में भी पानी भर गया था। मूसलाधार बारिश के चलते हवाई उड़ानों पर भी असर पड़ा है। मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के अन्य हिस्से कोंकण, नागपुर और विदर्भ क्षेत्र में भारी बारिश हो रही है। इससे नदियां उफान पर हैं और निचले इलाके जलमग्न हो गए। मुंबई नहीं, पूरे देश में मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। कई राज्यों में भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात बन गए हैं। टीवी में इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि मॉनसून ने कितना तांडव मचा रखा है। गुजरात के राजकोट, द्वारका समेत कई जिलों में बाढ़ बारिश से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ गिर सोमनाथ में हिरन नदी में बाढ़ आने से सड़कें पानी में डूब गई हैं, जिसकी वजह से कई गाँवों से संपर्क टूट गया है। मध्य प्रदेश के सिवनी में वैनगंगा नदी उफान पर है, पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके प्रभावित हुए हैं। नैनीताल में जंगलों में घूमने गए 4 टूरिस्ट कोसी नदी के पानी में फंस गए थे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। जिला प्रशासन में पानी भरने से मरीजों को जिला अस्पताल में पानी भरने से मरीजों को परेशानी हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और आप ताज़ा अपडेट के लिए CNBC आवाज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां बस एक क्लिक पर मिलेंगी आपको ताज़ा और अपडेटेड खबरें।